भारत सरकार की मिनी रत्न कोल इंडिया की कंपनी एनसीएल जयंत परियोजना के आवासीय परिसर में देर रात हुई फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। एनसीएल कर्मी के आवास में जाकर लोगों ने हवाई फायरिंग कर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। सिंगरौली जिले के एनसीएल जयंत परियोजना के आवासीय परिसर में देर रात एनसीएल कर्मी के आवास में जाकर कुछ लोगों ने हवाई फायरिंग कर दी और मारपीट कर तोड़फोड़ करने लगे। बताया जा रहा है कि एनसीएल कर्मी प्रवीण कुमार का रोज गार्डन में कुछ लोगों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके चलते उसके साथ मारपीट की गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करना शुरू कर दी है। एक खबर आई थी रात में करीब 10 बजे के आसपास कि एक घटना घटी है कॉलोनी में, जिसमें मारपीट की गई एक संदीप सूद के साथ में और साथ ही गोली चलाई है, हवाई फायरिंग किया है। जब घटना की तस्दीक पुलिस के द्वारा की गई, पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया और उसके बारे में जानकारी ली, तो घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से आया कि एक संजीव त्रिपाठी हैं, उनकी पत्नी रोज गार्डन में गई होंगी घूमने के लिए, तो रोज गार्डन के गार्ड ने उनका कार्ड मांगा, क्योंकि वो कह रही थी कि हमको अंदर जाने दें, हम एनसीएल में एम्प्लॉई हैं। तो उसने कार्ड मांगा क्योंकि एनसीएल के एम्प्लॉई को फ्री एंट्री है, बाकी लोगों को 10 रुपये का टिकट लगता है। तो गार्ड ने जब उनको मना कर दिया जाने से, तो संभवतः उनकी पत्नी ने अपने पति को बताया होगा। तो संजीव त्रिपाठी ये और एक मुकेश सिंह ये कुछ लोगों के साथ वहाँ पहुँचे, वो गार्ड से वहाँ जाके बदतमीजी की, और उसी समय जब ये विवाद चल रहा था गार्ड से, तो कुछ लोग और थे जो एनसीएल में ही एम्प्लॉई हैं और हरियाणा तरफ से निवासी हैं, तो उनके द्वारा रोका गया और विवाद को सुलझाने के लिए बीच बचाव किया गया। इस बात को लेके इन्होंने क्या किया कि ये संजीव त्रिपाठी मुकेश सिंह ने कुछ और लड़कों को बुला के और प्रयास किया इन्हीं लोगों को जो वहाँ पर जिन्होंने उन्हें विवाद को सुलझाया था उनसे, कहने के हम बीच में पड़े हमारे, और जाके वहाँ पर कॉलोनी में तलाश उलाश की और इसी बीच ने मारपीट की और हवाई फायर भी किया। सर, हम क्वार्टर के बाहर बच्चे खेल रहे, साथ में वीडियो भी ये बकायदा सामने जो क्वार्टर के कैमरा लगा है उसमें वीडियो में दिखाई दे रहा है, सब हम बच्चों के साथ बैठे हैं वही खेल रहे हैं। हमें नहीं मालूम है कि वो हमसे झगड़ा करेंगे, लेकिन उनका ये प्री प्लान था, क्योंकि अगर वो जिस मकसद से आए हैं फायर किए हैं, फायर हुआ तो हम बच्चों को लेके जस्ट देख के डरते हैं, वो भागे, हम उस हिसाब से अंदर भागे थे कि नहीं मालूम था कि हमारे साथ ही करेगा। और उनका क्वार्टर जैसे हमारे क्वार्टर उसके बगल बिल्कुल जस्ट सामने है, एनसील कर्मचारी है, उनका झगड़ा हुआ है 1 घंटा पहले, वो पुलिस में पहले बकायदा एप्लीकेशन भी दे के आए हैं, जो जिनके साथ हरियाणा वाले के साथ उनका झगड़ा हुआ है दूसरी लड़कियों के साथ, हमारे साथ कोई झगड़ा भी नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।